फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है बैचलर्स वर्सेस कुकिंग। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले यस इसको टू पार्ट्स में करेंगे और अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट और इसके बाद कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द सेकंड पार्ट भी देखें। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पता है आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो प्लान शुरू। भाई सुबह ठीक 9 बजे आती है, 9:20 तक घंटी बजाती है और 9:25 में डुप्लीकेट चाबी से घर के अंदर घुसाती है। मैंने ही दी थी ताकि हमें नींद से उठना ना पड़े। फिर घंटी क्यों बजाती? पॉइंट, ये भी कल डिस्कस कर लेंगे। करते हैं। तो भाई अंदर घुसती है 9:25 पे और 9:55 तक चली जाती है। इसका मतलब आधे घंटे में वो रोटी सब्जी दाल चावल चम्मचों की चोरी और पीएस पे 20 मिनट फीफा खेल के जाती है। तो जाहिर सी बात है खाना बेकार ही बनेगा, इसीलिए हमें ये कल ही करना होगा। क्या? और ये करेगा कौन? वही जिसकी कमांड में तुम होगा। तो तय रहा। I'm out. I'm also out. करना क्या है? तो ठीक है मैं ही करूंगा। तू लीड कर तो पाएगा ना? तुझे पता तो ना क्या बोलना है? यही कि दीदी हमें बहुत फीका खाना मिलता है। ये बोला बोला फीका खाना? घूमने बैरों के हॉस्पिटल में रोज खाना बनाती हूँ मैं, वहां पे तो कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन दीदी वो तो घूमने इतनी प्रॉब्लम है ना, तो कोई और दीदी ढूंढ लो। हाँ कल से मैं नहीं आ रही। दीदी दीदी आप जाओ जाके फीफा खेलो। फीफा खेलो बाकी 18 देखिए 18 की सीढ़ी लेकर दीदी के लिए चल रहा है। पैसे नहीं दूंगा। अरे हट ना दीदी, जाएंगे दीदी जाओ। इतनी इंपॉर्टेंस पापा आज भी नहीं बोल पाया। कल आंटी आ रही है। आंटी? ये आंटी है? ओह माय गॉड, इसे ऋषि को दिखाना चाहिए मेरा खाना कितना अच्छा है। पापड़ आज तो खाना बाहर से मंगा। भाई सिर्फ चोरी के लिए लगाई है के घर का खाना खाया कर, हेल्दी हो गए है। हेल्दी है? ताई जी कैसी है? लो ताई जी का मर्डर हुए ना पूरे 8 महीने हो गए हैं, इसलिए कहती हूँ कभी कभी घर आ जाया कर। ये तो रोक रहा था कि ना कर। दाल पास कर। उसको दाल ही नहीं मिल रही। क्या ढूंढ रहा है भाई, सामने रखी है पास कर। ये दाल है मरने लगा है फिंगर बोल। पास कर। भगवान जी माँ जी लो रोटी खा लो। रहने दे पापा मारा। अच्छा थारे को तड़का लगाने से कोई प्रॉब्लम है के? मोटे की माँ है के? अभी मैं सोचूं इतनी प्रॉब्लम है तो आप ही सिखा दो ना कैसे लगाते तड़का। एक और कढ़ाई होती ना तो यही के ही सिखा देती कैसे लगाते तड़का। स्वाद है थारी तड़के वाली दाल में।
सोसाइटी की नंबर वन भाई को सबक सिखाया था हमने। दिल छोटा की माँ से सबक सिखाया तन्ने। कल से काम पे आने की जरूरत ना है। चल निकल निकल। कितनी अकड़ है। जे है हमारी दीदी यानी हमारे भद्र कालेश्वर एक के बद्री की माँ और जे हूँ मैं बद्री का मामा एक के मामा। जब हरियाणा में फेमिनिज्म की आग फैली तो दीदी ने खाना बनाना छोड़ दिया पर बद्री ने पेल के खाना नहीं छोड़ा और दीदी को फिर से किचन में घुसने पे मजबूर कर दिया। मेरी ऋषि को दिखाना चाहिए था जापता नहीं है ना उंगली मेरे खाने से। इसको क्या हुआ? कोई मिली ना दीदी 17 साल हो गए तक न मिली। किमकी मिली? अरे लुगाई नहीं बाइक की पूछ रही हूँ। ढूंढने गया था ना तू? ना वो भी ना मिली। हाँ एक मिली थी फिर मैंने बद्री की डाइट के बारे में बताया तो रास्ता ना मिली। बेटा उनका खाता है मौत है ना। चल छोरा ने दे दी। दीदी 10 दिन बाद खाप पंचायत के चुनाव आप तो निकल जाओगी फिर कौन बनाएगा इनका खाना? भाई को निकाल के गलती कर दी आपने। नहीं ऐसा बद्री बोल रहा था। बद्री 10 दिन में जाना है। ओ इनको सिखा के जाएगी। हाँ? अच्छा क्या चल रहा है? आंटी जी हमारे यहाँ रोलिंग पेपर लेने न्यूज पेपर लेने आए थे और साला 2 मिनट के लिए मैं बाथरूम क्या गया पूरी की पूरी मैगी बनाकर खा ली इन्होंने। वाह बड़े अंडा भी दिखा तो वो भी फोड़ के डाल दिया। अंडा आंटी पूरी कैरेट खाली कर दी इसने। मंथन में कोई ऐसा करता है? ले ले अंडे के पैसे उनके मजा के बना के खा। चलो निकलो यहां से। इधर आ माँ सॉरी वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वो ठीक है पहले मैंने ये बता बनाया कैसे। चूतिया बनाने में क्या है माँ जैसी वो बाथरूम के अंदर घुसा मैं किचन के अंदर चला गया। मैगी कैसे बनाई? अच्छा मैगी मैगी बनाने में क्या है माँ पहले तो किया पानी गरम फिर उसके अंदर डाला मैगी फिर बाद में डाल दिया मसाले फिर अंडे को तोड़ के जोर जोर से फेंटा खाएगी। कैसे खा रहे हो? ऐसे बनाया फिर ऐसे खाया। ये बात कर रही दीदी छोरों से चूल्हा चौका करवाएगी के? क्यों नहीं कर सकते मारे छोरे बाई से कम है के। उसमें था ना हमारी लड़कियां तो कम नहीं छोरों से कम थोड़ी कोई है। आंटी ये अल्लाह फोड़ जितना खाना ऑर्डर करना है ना बाहर से कर लो। पर माँ अभी तो खाना खाया है। तो और खा लो। कल से ना ही कोई बाहर से खाना ऑर्डर करेगा और ना ही इस घर में बाई आवेगी।
क्यों माँ? क्योंकि कल से तुम सब लोग अपना खाना खुद ही बनाओगे। ये रही सब्जियों की लिस्ट, कल सुबह मंडी खुलते ही ले आना। ओ मम्मी चूल्हा चौका तो जीतू, धनिया और हरी मिर्ची के पैसे ना देना। हमरे बस के बाहर है चूल्हा चौका तो हम पे थोड़ी दया तो कर, हम ले जी क्या जरूरत थी उनका अंडा मैगी बनाने की? देख फूकने के बाद भूख लगी थी। माँ गरम मसाला जेबी लिस्ट में था। ये किसका है? ये मेरा है। माँ ने बोला सबसे पहले चौका तो लगा, फिर मसाले तो मिला रे धीमी आंच पे पका। कच्चू दही और काजू बनाए, सब्जी को जला, थोड़ी ग्रेवी ठीक बना और बनने से पहले ना बर्गर चखे हुए भी हो गए हैं परसों। माँ को लेके चला दमामा, ट्रेन पकड़ के परसों। मारने में आटा लौड़े लगने वाले हैं, मारने में आटा लौड़े लगने वाले हैं। और मारी मम्मी, और मारी मम्मी किचन की गणना रंग है। मम्मी चूल्हा चौका तो हमरे कितने खुश हो गए। सब्जी बनाना तो सबने सीख लिया, और अब सबसे मुश्किल काम है रोटी बनाना। और असली रोटी ऐसी नहीं, ऐसी होने कैसे देगा? मगर हम आ देंगे। हमने गोल रोटी तो मैं आटे पे सीधी रख के मारूंगा। ए गोल रोटी सीधी से ना बनती, उसे बनाना पड़ता है बेलन से, पलटन से फुला के, एक एक करके। इन छोरों ने देखने लायक खाना बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन खाने लायक खाना है कि नहीं ये देखने वाला कोई ना था। ओ, खाने लायक ये तो एक घर पे चारा खाना ना दीदी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ इस बार मैं आठवीं पास करके खाऊंगा। मैंने 13 का टेबल भी याद कर लिया, 13 1 13 13 2 33। गलत हो गया क्या? पटा सके के क्या इसके बाल था क्या? कैसे पता चला? सच्ची पूरा गंजा कर रहे हैं, छोटा से गिरेगा तो फिर भी पैसे।
राकेश मुझे वाला तो फ्रेंड्स बड़ा ही मजेदार है, ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आगे भी देखना है, वो बहुत एक्साइटेड है, पर इतना जरूर बोलूंगी सब में सच्ची में एक प्याज काटना और एक रोटी बनाना सबसे मुश्किल है। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने जिंदगी में कभी रोटी नहीं बनाई थी। जब मैं गुस्से होती थी मम्मी से और मैं कहती थी आज मैं खुद बनाऊंगी खाना, क्योंकि मम्मी कुछ ऐसा करती थी मुझे लगता था कि ये मेरे साथ फेयर नहीं है, मैं तभी किचन में जाती तो मम्मी बड़ी खुश होती थी, चलो इसी बहाने सालों बाद किचन में तो गई है, फिर मैं रोटी बनाऊंगी, फिर पापा आएंगे मेरी बेटी रोटी बना रही है, मैं भी अपनी बेटी की रोटी खाऊंगा। और यहां मैं गर्मी में मर रही हूँ, गुस्से में मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने क्यों बोलिया मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। और पापा को देती थी रोटी और मेरी लिटरली इसी तरह की पापड़ और सारी दुनिया के वर्ल्ड मैप पता नहीं कौन सी कंट्रियां बनती थी और मैं पापा को देती थी और पापा बड़े खुश होके बैठ के खाते थे मेरी रोटी और कहते थे बड़ी अच्छी बनी। और फिर मैं अपनी लेके आती थी और मुझसे खाई नहीं जाती थी और मैं मम्मी की रोटी देखती रहती थी, मैं कैसे उठाऊं वो रोटी, मेरी इज्जत का सवाल है। पर पापा को बहुत अच्छी लगती, तो कई बार बोलते थे आज बेटी बनाएगी रोटी और मैं कहती थी कहाँ फंसा रहे और ऐसी कौन रोटी खाएगा। पर एक बात बताऊं, कोई और किसी और को कभी रोटी आपकी अच्छी नहीं लगेगी, बेटी की फादर जो है वो अपनी बेटी की रोटी खाएंगे और हमेशा बोलेंगे कि बहुत अच्छी है। तो इनको देख के मुझे वो याद आ गया। पर इन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है और आइडिया ये है कि अपने बेटों को खाना बनाना जरूर सिखाना चाहिए। तो मेरा मिशन अब यही होगा नेक्स्ट छुट्टियों में कि ऋषि को खाना बनाना सिखाया जाए और उसमें सबसे पहली चीज जो मैं उसको सिखाऊंगी वो है प्याज काटना। राइट, सो काफी अच्छा है और ये स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वैसे ही लोगों के साथ होता है। जैसे मैं अपने इंजीनियरिंग के बाद चला गया था अकेले, तो मैं खुद अपना खाना बनाता। हाँ सच्ची में याद है जब हम फर्स्ट टाइम आई थी मैं, तो तड़का और दाल बनाना मुझे किसने सिखाया, इन भाषा जी ने। और खुद एक मिनट आगे नहीं बोलने दूंगी, पहले पूरा बोलने देती हूँ। और बताओ क्या सिखाया था, प्याज डालो, नहीं पहले क्या तेल डालो, प्याज डाल दो, टमाटर डाल दो, दाल डाल दो, पानी डाल दो, कुकर बंद कर दो, तुम्हारी दाल बन गई। हाँ तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, मगर ये ऐसी एग्जैजरेशन है, मगर जो है मैं अपना खाना, फिर मैंने मम्मी से फोन करके पूछा, मम्मी ने कहा ये कैसी तार है, फिर मम्मी ने करेक्ट प्रोसीजर बताया था। तो मतलब पॉइंट ये है कि जब इंसान अकेले रहता है तो सब कुछ सीख जाता है। तो मेरे को सारा खाना जो है, मैं उस वक्त हमारे समय में इंटरनेट नहीं होता था, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे दे दो, आपको जो न्यूज़पेपर में रेसिपीज आती थी, अपनी मदर से आप बात करिए, अपनी सिस्टर से बात करिए, आपको पता चल जाता है क्या प्रोसेस है। और उसमें ये नजर आता था कि नॉर्मली जितने भी बैचलर्स थे उनको एक्चुअली खाना बनाना आता था। जिस जगह मैं गया था वहां पे आप देखेंगे कि सारे पढ़े लिखे लोग थे और वो अपना जो है खाना खुद बनाता था। हर बंदा अपना थोड़ा थोड़ा खाना बनाता था और बाद में जब दोस्ती हो जाती है तो एक बंदा बनाता, सबके लिए बारी बारी करते थे। मगर आपको अचंबा होगा कि सेल्फ रिलायंट थे हम लोग, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, खाना खुद ही जबरदस्त बनता था और बहुत तेजी से बनता था। उसमें सिर्फ ये था कि स्पेशलिटी हम नहीं करते थे, सिंपल खाना बहुत तेजी से बनता था, एक खाना मगर इतना था कि आप खा सकें और हेल्दी आप रह सकें। तो वो तो और ये बात सही है कि, और ये तभी आया जब आप पे जरूरत पड़ी कि अब आप अकेले हैं और आप किसी भाई को बुलाएंगे, वो बनाएगी, ये करेंगे, इतना समय कौन बर्बाद करेगा, आप सिंपल आइए बनाना शुरू करिए। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में तो खाना बनाने में क्या है। तो फिर हमने खुद ही खाना बनाना सीखा और ये सिर्फ मैं नहीं था, काफी लोग थे। उसके बाद उसका फायदा ये होता है कि जब उस समय मैं बाहर गया था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में, बाद में सिंगापुर, मलेशिया, यूएस वगैरह में, तो वहां पे आप देखते हैं वहां पे नॉन वेजिटेरियन का बहुत यूज होता है। तो आपको खुद ही जो है खाना बनाना आना चाहिए, जबकि हम लोग जो है चिकन खाते हैं, मगर मैं मोस्टली वेजिटेरियन ही खाता हूं। तो आप सिंपल कहीं पर भी जाइए, अपना सामान लाइए, स्पाइसेस अपने साथ देके जाइए, नहीं आपके साथ
बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं वो भी हर जगह मिल जाते हैं, वो लेके बनाइए। तो उसी तरीके से हमने काम किया था एफिशिएंसी के साथ कि बना दीजिए, यहाँ से भी है कि मेथोडोलॉजी अलग होती है, बना दीजिए बड़े बोल में और वो एटलीस्ट एक वीक चलाएगा, उसके बाद अगले सैटरडे संडे दोबारा बनाइए, समय नहीं होता इंसान के पास। तो सैटरडे संडे आपने जो बना दिया पूरे वीक चलता है, उसके बाद दूसरी चीज़ बनाते हैं। हाँ, वैरायटी कम है मगर जो फूड है उसमें पूरी पोटेंसी पूरी पावर होती है। तो काफ़ी अच्छा था कि यहाँ पे ये स्टीरियोटाइप चेंज करें इंडिया में, मगर जो लोग जानते होंगे जो खुद अकेले जिंदगी में जो आगे बढ़ रहे हैं वो उनको ऑलरेडी ये सब आता होगा। तो फ्रेंड्स अब ज्यादा नहीं बोलते, जल्दी से बाय करते हैं ताकि आगे देखें अब आगे क्या होता है स्टोरी में। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।